हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि आप अपनी कोई भी क्वेरी हमको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने रखा है डेडिकेटेड आपके क्वेरीज़ के लिए। आपको GS के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको पता है ना कि CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो प्लीज़ 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 फॉर्म को टाइम पे फिल कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आपका एग्ज़ाम MTS का आने वाला है या आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, टारगेट कोई अदर एग्ज़ाम देने का है, तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा। वन लाइनर GK का ये पूरा कम्प्लीट एक वीडियो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। ये है पार्ट 16, 1 से लेकर के पार्ट 15 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेज प्राचीन मूड़दार पर्वत है। सबसे ज़्यादा जो मूड़दार पर्वत है वो कहाँ पर है? वो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज। अगला क्वेश्चन है, भारत का अरावली जो है संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। याद रखिएगा आप लोग कि हमसे एग्जाम में ये पूछता है कि भारत का अरावली जो है ये क्या है, ये संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। याद रखिएगा, वलित पर्वत भारत का कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा अरावली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वत का निर्माण पर्वतीकरण युग में हुआ था। कौन से पर्वतीकरण युग में हुआ था, एग्जाम में हमसे ये पूछेगा, तो आप याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में हुआ था। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। और मैक्सिमम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैक्सिमम काली मिट्टी पाई जाती है आपको महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। और इसमें कौन सी फसल की पैदावार होती है पूछेगा आपसे, तो आपको याद रखना है कपास। ठीक है, काली मिट्टी में क्या होती है पैदावार, कपास। और मैक्सिमम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। याद रखिएगा रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल सनलेक ओजोन अवक्षय से संबंधित है। मॉन्ट्रियल सनलेक ओजोन अवक्षय से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोमेश्वर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी बात कर रहा है हमसे, सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये है चंपारण जिले में, और ये कहाँ पर है, ये है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, संसार की सर्वोच्च नौकायन झील कहाँ पर है, वोल्विया का टीटिकाका झील है। अगेन मैं इसको पढ़ूंगा एक बार, संसार की सर्वोच्च नौकायन झील बोलिविया का टीटिकाका झील है। टीटिकाका झील में सबसे ज़्यादा क्या होती है, नौकायन होती है। शिपिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो होती है नौकायन झील में। और अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला भारतीय राज्य कौन सा है, राजस्थान। देखिए ये जो हमारी जो स्टेट है राजस्थान, ये सबसे ज्यादा टच करती है किसको, पाकिस्तान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप के अध्ययन को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। और जो भूकंप का जो मेजरमेंट होता है उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अधिकांश भारतीय कोकेशियाई समूह से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सियाचिन। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब पाकिस्तान को टच करता है, पाकिस्तान की सीमा को टच करता है, गुजरात, राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर। टोटल कितने होगा, ये हो गए 4। तो हमसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय कुल राज्य कितने हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4, 5, 6 और 7। तो आपको याद रखना है टोटल कितने हैं, 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर।
सबसे ज्यादा एस्बेस्टस रूस में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता कब क्या पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। आप याद रखिएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। समान वर्षा वाला या समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट। आइसोहाइट इसको बोलते हैं सम। सम का मतलब समान वर्षा वाला रेखा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको आसानी से ये पता चल जाएगा। अगर आपको ये सम वर्षा नहीं देता, आपको केवल देता है आइसोहाइट, मैक्सिमम एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ऑप्शंस में मिलेगा आइसोहाइट। तो आपको मैक्सिमम याद ये रखना है आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है रांची। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो हुआ था वो कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को। 27 अप्रैल 1914 को। एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछता है कि भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? उसका नाम बताइए। मैं बात कर रहा हूँ आपसे इंडिया और पाक की, इंडिया और पाक की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम आप याद कर लीजिएगा, रेड क्लिक रेखा। ठीक है, रेड क्लिक रेखा, ये स्किप मत करना आप। एक समुद्री मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? हमसे पूछता है एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के इक्वल होता है? तो आप याद रखिएगा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है क्या, एक समुद्री मील। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने 1752 में बनाया था। देखिए, भारत का प्रथम मानचित्र किस व्यक्ति ने बनाया था? उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनविले। आप याद रखिएगा एनविले। और इन्होंने कब बनाया था? ये बनाया था 1752 में। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रंब का निर्माण बेसाल्टिया चट्टानों से हुआ था। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग बनिहाल या बनिहाल दर्रा में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार प्रपात कुछ भी कह सकता है, वो कहाँ पर है? जबलपुर में। ये कहाँ पर है? जबलपुर में। धुआंधार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अभी पेन डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह सैम रोक है। राष्ट्रमंडल का पुराना नाम क्या था? देखिए, राष्ट्रमंडल का जो पुराना नाम था उसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है? बीबीसी का प्रथम महानिदेशक थे लॉर्ड टीरा। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट को कहा जाता है? प्रातः काल की शांति भूमि कोरिया देश को कहा जाता है? बंगाल का भाग, बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता था। भवभूति के लेखक कौन है? भवभूति के लेखक जो है उनका नाम है मालती माधव। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? मंडल आयोग 1970 में गठित हुआ था। भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दय नहीं है, ये डय है अंबेडकर। मदर पुस्तक की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। मदर जो पुस्तक थे उनके रचनाकार कौन थे, वो लेखक कौन थे, उनका नाम था मैक्सिम गोर्की। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इटली निवासी पेट्रोक को मानवाद का संस्थापक माना जाता है। अभय घाट मुरारजी देसाई की समाधि स्थल है। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम है संगम। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम था निजाम खान। अगला क्वेश्चन, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी हैं। देखिए,
पुस्तक से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो पक्का पूछेगा, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे बात करी जा रही है केवल इंटरनल इंडिया के जो लेखक है उनका नाम क्या है, उनका नाम है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हर गोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए कौन सा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में किसको मिला था? हर गोविंद खुराना को। अगला क्वेश्चन है, तड़ित झंझावात में हवाओं की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, हवाओं की गति क्या होती है? नीचे से ऊपर की ओर, कहाँ पर? तड़ित झंझावात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। फ्लोरेंस नाइटेंगल को ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। पंजाब का प्रसिद्ध कूका का आंदोलन या कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। देखिए, वुड डिस्पैच का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका जो क्षेत्र था वो था शिक्षा से संबंधित। और कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले भारत में अंग्रेजी जो सब्जेक्ट था, अंग्रेजी भाषा को कौन प्रचलन में लाया? शिक्षा की एक पद्धति जो अंग्रेजी होनी चाहिए वो किसने बनाई भारत में? तो उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी वर्ड कहीं पर भी आपको दिखाई दे एग्जाम में, शिक्षा साथ में लिखा हो तो आंख बंद करके आप आंसर लगाना, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है, चैत्यरा भूमि बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल है। अकबर का सेनापति मानसिंह था। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति लियोफाइट कहलाती है। कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था विष्णुवर्धन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले ये वीडियो लाहौर वंश का संस्थापक संग्राम राज था और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। डंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक बॉक्समैन था। लुईस ब्रेल दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, डे से संबंधित आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा, तो डेज जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेज है वो सब आप याद कर लीजिए। और डेज को लेकर के इस चैनल पे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक मिलेगी, आप डेज को उसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको पहले से याद है तो वो वीडियो वॉच करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ नया पढ़िए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और उसके बाजू में दिखाई देगा बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। और प्लीज़ नोट्स प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।